अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्दीकी साइंस। गाइस, आज मैं आपके लिए एक और मेरी इनोवेशन लेकर आई हूँ। ये मेरी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त है और ये एक फ्यूजन होगा। गाइस, आज मैं फिर से ये रेसिपी स्पेशली किड्स के लिए लेकर आई हूँ और ये फ्यूजन है चाइनीज़ और इंडियन रेसिपी का। तो चलिए देर नहीं करती हूँ, बताती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं चाइनीज स्टाइल स्वीट एंड सार फ्राई चिकन। जी, बहुत यमी होगा और बहुत ही यूनिक होगा टेस्ट में। तो चलिए गाइस, देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी को। जैसे कि मैंने बताया है, आज हम बनाने वाले हैं चाइनीज़ स्टाइल खट्टा मीठा चिकन फ्राई। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है चिकन। यहाँ पर मैंने एक होल चिकन लिया है, सोया सॉस, विनेगर, यहाँ पर मैंने ये क्यूब्स में अनियन काटी हुई है, एक मीडियम साइज अनियन, आधा चम्मच अजवाइन, आधा टेबल स्पून सौंफ और आधा टेबल स्पून जीरा को मैंने यहाँ रात भर सोक कर लिया था। अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर राइस फ्लावर, अदरक लहसुन का पेस्ट, शुगर पाउडर, एक एग, आधा नींबू, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एंड नमक। तो सबसे पहले गाइस, मैं इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। जो सौंफ, अजवाइन एंड जो जीरा मैंने यहाँ लिया था, सोक किया था, उसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसका मैरिनेशन शुरू करेंगे। गाइस, हमने ये पेस्ट तैयार कर लिया है सौंफ, अजवाइन और जीरा का। आप चलिए हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले ये पेस्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है एक होल चिकन लिया और ये 700-800 ग्राम का था, तो मैं यहाँ पर ये, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इस पेस्ट का जो फ्लेवर है इन तीनों चीज़ों के, सौंफ, जीरा एंड अजवाइन, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए हमें ये ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 1 टेबल स्पून हम इसमें ये ऐड करेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मिर्च ऐड कर दें, नमक 1/4 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा वो धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैं तकरीबन 1/2 टेबल स्पून सिरका डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, क्योंकि सोया सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और चाइनीज़ फूड्स में ज़्यादातर सोया सॉस का इस्तेमाल होता है। और मैंने आधा नींबू लिया था, तो आधा नींबू का जूस, और क्योंकि ये स्वीट एंड सार हम फ्राइड चिकन बना रहे हैं तो इसके लिए ये शुगर पाउडर है, ये तकरीबन मैं 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि थोड़ा सा हम इसके उसमें भी डालेंगे ग्रेवी में, तो 1/2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर शुगर पाउडर ले। गाइस, इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना अच्छा डार्क कलर का हमारा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। एग और ये राइस फ्लावर और अनियन जो है ये हमारी बाद में इस्तेमाल होंगी जब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें हमारा चिकन को डालकर इनको अच्छे से मैरिनेट कर दें। गाइस, ये बहुत डिफरेंट टेस्ट करेगा। जो नॉर्मली हम फ्राइड चिकन बनाते हैं वो तो एक ट्रेडिशनली सब हम बनाते हैं नॉर्मली घर में बेसन वगैरह डाल के, लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, स्वीट एंड सार, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये ख़ास करके थोड़ी टेंगी फ्लेवर होता है इसका और तो चाइनीज़ टच है इसमें। और अच्छे से इसको मैरिनेट करेंगे मिनिमम 2 से 3 घंटे के लिए, अदरवाइज़ आप चाहें तो ऑल ओवर अ नाइट आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा देर आप रखेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से ये सारे फ्लेवर चिकन में चले जाएंगे। तो चलिए गाइस, मैं इसे मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे का इसका प्रोसेस बताऊँगी कि क्या है इसमें आगे करना। देखिए गाइस, यहाँ तेल हमारा गर्म हो चुका है और ये चाइनीज़ स्टाइल स्वीट एंड सार फ्राइड चिकन की जो चिकन है वो भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। ये मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था, 2-2.5 घंटे के लिए ये अच्छे से इसमें सब मैरिनेट हो चुका है। और इधर मैंने यहाँ पर मैदा ली है जिसमें मैंने नमक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर डालकर उसको अच्छे से एक इस तरीके का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब गाइस, जल्दी जल्दी हमारी जो चिकन पीसेस हैं इनको इसमें डिप करके जल्दी जल्दी हम इसमें फ्राई करते जाएंगे।
ये मैंने इसमें डाल दिया है चिकन। इसको अच्छे से कुक होने में, अच्छे से अंदर तक चिकन को पकने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। ये मैं मीडियम लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर रही हूँ। 5 मिनट हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे चिकन को। उसके बाद फिर हम फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, हाई फ्लेम पर हम इसे फिर डीप फ्राई करेंगे। इस तरीके से अगर आप गाइस फ्राई करेंगे तो आपका चिकन कभी भी कच्चा भी नहीं रहेगा अंदर से, क्योंकि बहुत काफ़ी बार देखा जाता है कि चिकन जो है ऊपर से तो अच्छे से क्रिस्पी होता है और अंदर से वो कच्चा रह जाता है, जिसकी वजह से अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती है, वो बहुत गंदा लगता है, उससे दिल ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ एक अच्छे कुक की निशानी नहीं होती। तो इसलिए गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि चिकन अच्छे से अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाए। ये देखिए गाइस, एक राउंड मैंने निकाल दिया है। अब हम जल्दी जल्दी जो और हमारा बाकी का जो चिकन है वो हम कर देते हैं। मैंने इसमें वो डाल दिए पीसेस, इतने हम इसकी जल्दी से स्वीट एंड सॉस तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ सॉस को हम कैसे बनाते हैं। गाइस मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, दूसरी तरफ हमारा जो बाकी का चिकन था वो फ्राई हो रहा है। यहाँ पर मैंने सॉस के लिए थोड़ा सा ऑयल पैन में डाल लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ये ज़ीरा, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे सो दैट ये अच्छे से मसाले कुक हो जाए। अब मैं यहाँ पर इसमें गुड़ डाल दूँगी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ लिया है, और थोड़ा सा और हम पानी इसमें ऐड कर देंगे ताकि गुड़ मेल्ट हो सके। कहीं ज़्यादा गुड़ की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा ही आपको क्योंकि हम स्वीट एंड सार बना रहे हैं इसीलिए हमें इसमें गुड़ की ज़रूरत है। साथ के साथ मैं यहाँ पर आधा टेबल स्पून सोया सॉस एंड आधा टेबल स्पून विनेगर, और अब हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। गाइस ये हमारा इधर फ्राई चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। चलिए मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। गाइस अगर आपके पास गुड़ नहीं हो, आपके पास ब्राउन शुगर हो तो आप ब्राउन शुगर भी इसमें डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर भी सेम काम करेगी। ये देखिए गाइस हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। गाइस इसमें जो ये हमारा थोड़ा सा ये जो बैटर बच गया है, ये हमारा मैदा वाला, मैं इसको इसमें डाल दूँगी। इससे क्या होगा, इस सॉस की थिकनेस थोड़ी बढ़ जाएगी, और जैसा कि मैंने बोला है कि मैं प्रेफर करती हूँ कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो, उसका अच्छे से बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए खाने की चीज़ों का। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मेरी कुकिंग में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इसकी थिकनेस, ये कितनी अच्छी इसमें ग्लेज्ड सॉस बन गई है हमारी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। गाइस अब हम इसे बंद कर देते हैं और हम इसमें हमारा जो चिकन है, ये जो हमने चिकन फ्राई किया था, इसको हमें इसमें ऐड करना है। हम फ्लेम बंद कर चुके हैं गाइस, हमें ये दिक्कत नहीं है कि अब हमारा कुछ जल जाएगा या लग जाएगा। अब हमें जस्ट इसको इसमें मिलाना है और इसको सर्व करना है। देखिए गाइस कितनी यमी ग्लेज्ड सॉस, स्वीट एंड सार सॉस के साथ हमारा चिकन फ्राई तैयार हुआ है। बहुत यमी ये खाने में भी होगा, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बस गाइस इसमें यही आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो फ्लेवर्स हैं वो बैलेंस्ड रखना है, आपको ओवर नहीं करना है। अगर आप ओवर कर देंगे तो फिर डिश की जो खूबसूरती है, जो टेस्ट है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा मैंने इसमें जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर स्पाइसेस थे वो मैंने इसमें बहुत कम क्वांटिटी में लिए। ये देखिए गाइस हमारा ये तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं।